सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सो स्वागत है दोस्तों। आज के वीडियो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको डायबिटीज की ट्रिपल कॉम्बिनेशन मेडिसिन के बारे में, जिसका कॉम्बिनेशन है ग्लिमेप्राइड, मेटफॉर्मिन और पाइग्लोटाजोन। जानेंगे इस वीडियो में इन तीनों साल्ट के बारे में अलग अलग, और साथ ही जानेंगे इस मेडिसिन का सबसे जो मुख्य फैक्टर है, किस तरह से इसको लेना चाहिए, जिसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। साथ ही यदि इस दवा को लेना आप भूल जाते हैं, आपको क्या करना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट यदि गलती से मिठाई खा ले तो उसे क्या करना चाहिए। साथ ही हम जानेंगे इसके साइड इफेक्ट के बारे में, कुछ प्रिकॉशंस के बारे में, कब कब इस दवा को नहीं ले सकते। तो ये सभी बातें इस वीडियो में जानेंगे, इस वीडियो को पूरा देखें जिससे संपूर्ण जानकारी आपको इस दवा के बारे में मिल सके। मैं हूं आपका दोस्त मोहित और देख रहे अपना यूट्यूब चैनल लर्न आउट मेडिसिन। चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। यह जो टेबलेट है, तीन एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट्स जो सब्सटेंट्स है उनका एक्टिव कॉम्बिनेशन है, जिसमें आपको ग्लिमेप्राइड, मेटफॉर्मिन और पाइग्लिटाजोन अलग अलग तीन दवाएं मिल जाएगी। ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। सामान्य भाषा में हम इसे डायबिटीज़ की दवा भी कहते हैं। इस दवा में ग्लिमेप्राइड सल्फोनाइलयूरिया ग्रुप की दवा है, जो कि पेनिक्रियाजिक बीटा सेल को इंसुलिन रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करता है। और जो पायोग्लिटाजोन है, यह थायजोलिडियन ग्रुप की दवा है और यह इंसुलिन रेसिस्टेंट को कम करता है। साथ ही जो मेटफॉर्मिन है, बाइगुआनाइड्स ग्रुप की दवा है और ये प्लाज्मा ग्लूकोज को कम करता है। इस तरह से तीनों दवाइयाँ काम करती है। सबसे पहले इसकी स्ट्रेंथ के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल है। इसके तीन से चार अलग अलग स्ट्रेंथ है, जिसमें फर्स्ट स्ट्रेंथ में ग्लिमेप्राइड 1 मिलीग्राम, मेटफॉर्मिन 500 मिलीग्राम और पाइग्लिटाजोन 15 मिलीग्राम अवेलेबल रहती है। इसके अलावा दूसरी जो कॉम्बिनेशन स्ट्रेंथ है, जिसमें ग्लिमेप्राइड 2 मिलीग्राम रहेगा, मेटफॉर्मिन 500 और पाइग्लिटाजोन 15 मिलीग्राम रहेगा। इसमें स्ट्रेंथ सिर्फ ग्लिमेप्राइड के स्ट्रेंथ की चेंजेस हो रही है। इसके अलावा जो दूसरी स्ट्रेंथ की बात की, उसमें ग्लिमेप्राइड 1 मिलीग्राम, जो मेटफॉर्मिन है 1000 मिलीग्राम, पाइग्लिटाजोन 15 मिलीग्राम रहेगा। साथ ही दूसरे कॉम्बिनेशन में ग्लिमेप्राइड 2 मिलीग्राम और मेटफॉर्मिन 1000 मिलीग्राम, साथ ही पाइग्लिटाजोन 15 मिलीग्राम, मतलब इस कॉम्बिनेशन मेटफॉर्मिन 1000 कर दिया गया है। तो इस तरह इसकी स्ट्रेंथ अवेलेबल है। इससे आप बिल्कुल कन्फ्यूज रहें, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाएं। यह दवा डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब करते हैं, पेशेंट टू पेशेंट, जिसकी जहाँ पे आवश्यकता होती है। ये मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए आपको बताया है। अब इसकी ब्रांड नेम के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या इसका ब्रांड नेम मार्केट में अवेलेबल है, जिससे कि आप इसको आसानी से खरीद सकें। जो पॉपुलर ब्रांड नेम है उसमें ग्लाइसिफेज PG2, ग्लाइसिफेज PG1, साथ ही ग्लिमेस्टार PM2, ट्राइबेट 1, ट्राइग्लाइनेज टेबलेट, जेमिनार टेबलेट, ग्लिम्प MP टेबलेट, फोरमिन PG टेबलेट, ये कुछ इसकी पॉपुलर ब्रांड्स है। और हो सकता है इसके अलावा भी कई सारे ब्रांड्स मार्केट में आपको मिल जाए, लेकिन जो दवा का जेनरिक नाम रहेगा, जो कॉम्बिनेशन रहेगा, वो ग्लिमेप्राइड, मेटफॉर्मिन और पाइग्लिटाजोन ही रहेगा। बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं हो, एक ही जगह आप दूसरी ले सकते हैं। सिर्फ आप इसकी स्ट्रेंथ का ध्यान रखें, कौन सी टेबलेट आपको किस स्ट्रेंथ की चल रही है, तो ये आप विशेष तौर से ध्यान रखें और एक ही जगह दूसरी आप आराम से ले सकते हैं। इसकी यूज़ की अगर बात करें तो इसका एकमात्र यूज़ है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस में, जो शुगर लेवल है, ब्लड का बढ़ जाता है, उसको कम करने के लिए इसका प्रयोग लिया जाता है। बहुत ही अच्छी डायबिटीज पेशेंट के लिए दवा है, बहुत अच्छा फ़ायदा करती है। लेकिन कुछ पेशेंट डायबिटिक के ऐसे भी हैं जिन्हें यह दवा नहीं दी जा सकती, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। उसमें सबसे पहले यदि कोई पेशेंट है जो टाइप 1 डायबिटीज़ का है तो उसे दवा नहीं दी जाएगी। साथ ही लीवर से संबंधित कोई बीमारी उसको है, किडनी संबंधित कोई बीमारी है, हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या इन तीनों साल्ट में से किसी भी एक से हाइपरसेंसिटिव है, तो उन्हें भी ये दवा नहीं दी जाएगी। साथ ही हिमोलाइटिक एनीमिया यदि किसी को पेशेंट को है, या हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ब्लड शुगर लेवल कम रहता है, ब्लडर का उसको कैंसर है, आँखों से संबंधित कुछ इसको डिसऑर्डर है, या पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम है मतलब महिलाओं में गर्भाशय से संबंधित कुछ बीमारी है, तो इन सभी परिस्थितियों में, इस सब कंडीशन में ये दवा डॉक्टर द्वारा पेशेंट को प्रिस्क्राइब नहीं की जाती है। साथ ही यदि आप इनमें से किसी भी बीमारी से ग्रसित हो तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बताएं, जो किसी और दवा का आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख सके। दोस्तों अब बढ़ते हैं इसके साइड इफेक्ट की तरफ, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट रहते हैं, और साइड इफेक्ट के बाद हम जानेंगे इसकी डोज किस तरह से उसका लेना चाहिए, सब पूरी डिटेल में। इसके कॉमन जो साइड इफेक्ट देखे गए हैं उसमें पेशेंट को डायरिया होना, लूज एपिटाइटिस मतलब उसको खाना कम पचना, नोजिया वोमिटिंग उस व्यक्ति को हो सकता है। इसके अलावा भी कई बार पेशेंट में देखा गया जो ब्लड काउंटिंग है वो डिस्टर्ब रह सकती है, ब्लड प्रेशर उसका लो हो सकता है, और पेट दर्द पेशेंट को
हो सकता है ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है जो देखे गए हैं, और हो सकता है इसके अलावा भी कोई अनवांटेड इफेक्ट आपको मिले। यदि आपको ऐसा मिले तो तुरंत ये दवा का सेवन बंद करके अपने डॉक्टर से मिले, जिससे आपको फर्दर ट्रीटमेंट दिया जा सके और इसकी दवा कोई ब्लड शुगर कंट्रोल करने की दूसरी दवा दे सके। दोस्तों अब जानते हैं इसकी डोज के बारे में, क्या क्या इसकी डोज रहती है और किस तरह से इसको लेना चाहिए। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने देखा था कि अलग अलग स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल है, जो कि पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग डॉक्टर देते हैं। सामान्यतः यह जो दवा है दिन में एक बार पेशेंट को दी जाती है, और आवश्यकता होने पर दिन में दो बार और दिन में तीन बार भी दी जा सकती है। इस दवा को आप खाने के तुरंत पहले लें, जिससे कि जो खाना खाने के बाद आपका जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है वो कंट्रोल में किया जा सके। मतलब जब भी आप खाना खाने के लिए बैठे, आपके सामने प्लेट आ जाए, पहले इस टेबलेट को खाएं, उसके बाद में आप खाना खाना शुरू करें। और कई पेशेंटों में देखा गया दोस्तों, जब ये खाने के पहले दवा लेते हैं तो उन्हें पेट दर्द होना या नोजी वोमिटिंग जैसी शिकायत रहती है, तो वो रहता है मेन मेटफॉर्मिन के कारण। तो इस दवा को खाने के तुरंत बाद भी ले सकते हैं, आपको गैप नहीं करना। ऐसा नहीं आप घंटे भर बाद में लें तो आपको परेशानी कर सकता है। और दोस्तों यदि कोई पेशेंट है जो इस दवा को लेना भूल गया है तो उसे क्या करना चाहिए, तो दोस्तों उसका सिंपल सा तरीका है, जब भी आपको याद आए इंस्टेंट उस दवा को ले लें, क्योंकि ब्लड शुगर आपका बॉडी में हाई हो जाता है तो उसको लेने का बहुत ही जरूरी हो जाता है। और अब एक बात रही, यदि कोई पेशेंट है डायबिटिक, उसने गलती से कुछ मीठा खा लिया हो, कहीं शादी में गए, कोई पार्टी में गए तो उसमें खा लिया हो, तो उसे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों सिंपल वे में, यदि उस पेशेंट को दिन में दो बार वो दवा लिखी गई है डायबिटीज़ की कि सुबह शाम आपको लेनी है, और उसने दोपहर में या रात को 10-12 बजे उसने अगर मिठाई खा ली है, तो उस समय वो कुछ नहीं करें, जो डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी है, जो टेबलेट प्रिस्क्राइब करी है, वो एक टेबलेट ले लें, जिससे कि जो मिठाई से खाया हुआ ब्लड शुगर लेवल है वो अपने आप थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब आपको वो डिसाइड करना है आपने मिठाई कितनी खाई है, आपको टेबलेट कितनी लेनी है, एक बार अपने डॉक्टर से जरूर से कंसल्ट कर लें, उसके बाद ही ये फॉर्मूला फॉलो करें। तो दोस्तों ये कुछ तरीका था इसको किस तरह से लेना चाहिए। और जब भी आप ये टेबलेट लें तो प्रॉपर डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज फॉलो करें, तो बहुत ही अच्छा आपको इस दवा का रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, कितने आपको इससे जानकारी मिली और क्या क्या एडिशनल जानकारी आपको चाहिए, ये सभी बातें मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताएं। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जो किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न आउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर जरूर से सब्सक्राइब करें, और जो पास में बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, जो आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, सबसे पहले हमें रेड देख पाएं। आप थे अपने दोस्त मोहित आदित्य के साथ और देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न आउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।